5, 4, 3, 2, 1, 0. अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 24th एपिसोड के साथ, और आज हम एक और नया सिलसिला अपने चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जिक्र मैंने बहुत शुरू की अपनी वीडियोस में किया था कि हम आगे चल के इस किस्म की भी कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे, जिसमें हम जो नए लोग, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ई बिज़नेस में या ई कॉमर्स में कोई नई प्रोडक्ट्स लेकर एंटर हो रहे हैं, उनको इन्वाइट करेंगे या उनसे कुछ एक सेशन उनके साथ करेंगे डिस्कशन का, जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि अबाउट देयर आइडिया एंड वो इस ई बिज़नेस की तरफ कैसे आए और उन्होंने अपने इस बिज़नेस को कैसे प्लान किया, किस तरह एग्जीक्यूट किया। इससे जो दूसरे लोग हैं जो इस किस्म अभी सोच रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में, या कोई जिनके पास आइडिया है वो भी अपना कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को हम इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे इस सेशंस की वजह से कि नई प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रही हैं मार्केट में कस्टमर्स के लिए, और क्या क्या सर्विसेज वो दे रही हैं। तो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं बिलाल हनीफ, जो कि ऑनर हैं एक बिसम इंटरप्राइजेस के, और इन्होंने अभी रमज़ान में अपना एक नया स्टार्टअप लेकर आए हैं, ऑनलाइन ये ई कॉमर्स स्टोर है कैरी बाज़ार के नाम से, carrybazaar.com। और ये बिल्कुल एक ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे आप अपनी बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप ख़रीद सकते हैं, और इनका क्लेम है कि ये बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, स्टोर्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनसे कुछ बेहतर फीचर्स के साथ मार्केट में एंटर हुए हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शिकायत और जो परेशानियां अभी तक कस्टमर फेस कर रहे थे एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ, तो वो इन्होंने उसमें से कुछ को ओवरकम करने की कोशिश की है। कोई अच्छी सर्विसेज का आगाज़ हुआ है। अभी इनकी जो प्रोडक्ट है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही खाली अवेलेबल है, और ये आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड करके कंट्री वाइड में जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी होंगे। तो आज हम इनसे इस प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली कुछ जानेंगे, कुछ इनके अपने एक्सपीरियंसेस, इनकी प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स ये जो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे वो आप सुनेंगे, और आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अगर आप कस्टमर हैं तो ज़रूर इनकी वेबसाइट पे जाइए और अपनी पसंद की चीज़ ख़रीदें। और मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल भी ऐसा ही लग रहा है कि इनके साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो लोग ई बिज़नेस में कोई और आइडियाज़ के साथ आना चाहते हैं तो इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अब आज का ये डिस्कशन फोरम विद बिलाल हनीफ, जो कि ऑनर हैं इसके बिसम इंटरप्राइजेस के, और इनकी प्रोडक्ट के बारे में ये ख़ुद बताएंगे अपने। तो जो ये कैरी बाज़ार है, इसके बारे में थोड़ा हनीफ मुझे बताइए कि क्या है, आपने आपके ख्याल में ये क्या था, किस तरह आपके दिमाग में ख्याल आया, किस तरह आपने ये पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया, और क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिटेल ऑनलाइन मार्केटिंग में मार्केट में बड़े लेट आए हैं, वो बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो पहले ही आ चुके हैं और काफ़ी मार्केट शेयर उठा चुके हैं, तो अब आपने ये रमज़ान में जो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की है, इससे क्या समझते हैं कि आपके दिमाग इसमें क्या ऐसे वो थे, प्लानिंग थी जिसमें आप आए? जी बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस यूनिक प्रोडक्ट ऑफ कैरी बाज़ार। बेसिकली हमने जो कंपनी हम रन कर रहे हैं बिसम इंटरप्राइजेस, उसके अंदर ही वी डिसाइडेड टू लॉन्च फ्यू प्रोडक्ट्स इन मार्केट, एंड देन वी ऑल केम अप विद एन आइडिया कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, बिकॉज यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द करंट सिनेरियो, अगर मैं कहूँ कि हाँ जी मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड मार्केटिंग कर लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। जो करंट ट्रेंड इस वक्त चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज गोइंग टूवर्ड द ई कॉमर्स बिजनेस, विच इज वी ऑलरेडी थिंक कि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हैं, 3-4 साल ऑलरेडी इसमें लेट हैं हम लोग,
लेकिन फिर भी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आगे भी आ रहे हैं तो वो आपके ई कॉमर्स के लिए ही है। प्लस हमारे पास कुछ ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग की सेल आउट कर रहे हैं अपनी कंपनी के ब्रांड के अंदर, सो वी डिसाइडेड टू लॉन्च एन ई कॉमर्स साइट। वी स्टार्टेड विद एन इनिशियल आइडिया, वी ऑल स्टार्ट गिव इट अ हैवी सॉर्ट ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड देन वी केम अप विद एन आइडिया कि ठीक है जी, हमें इसको प्रॉपर ई कॉमर्स साइट एक लॉन्च करनी है। We came up with the different plans for the investments and for the different like मतलब क्या हमें visibility पड़ेगी अगर हम लोग एक e-commerce run कर रहे हैं। It looks to be a very small thing कि आपने एक e-commerce site launch कर दी है, but once we started out with an with the initial phases of making an e-commerce site, it was really huge कि आप एक already आप एक complete bazaar complete mart को एक एक साइट के अंदर ला के आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग इन माय पर्सपेक्टिव। बस हमने उस आइडिया को इनकैश किया, हमने डिफरेंट नाम वगैरह सर्च किए। बिलाल, इसमें बताइए आपका क्या बैकग्राउंड क्या था इसमें जो आप नई ई कॉमर्स की तरफ आए, आप क्या आई टी से हैं? या पर्सनल बैकग्राउंड इज फ्रॉम सप्लाई चेन, माय एंटायर डिग्री एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दीज डेज इज कि अगर आप सप्लाई चेन को रन करना चाह रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो यू कैन नॉट इग्नोर द एसेंस ऑफ दिस ई कॉमर्स, राइट? कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन आप उठा दें तो उसके अंदर ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा मेन रोल आपको मिलेगा। एंड दैट वॉज द रीजन वी डिसाइडेड टू लॉन्च एन ई कॉमर्स साइट जिसमें हमारे अपने प्रोडक्ट्स भी होंगे एंड वी विल इंश्योर टू हैव अ कंप्लीट बाजार एट वन फोरम। So that incorporates and that gives us an idea to make it as a carry bazaar. Carry bazaar means ke we are carrying a complete bazaar at one particular forum. ठीक, इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने initially इस project के point से, वैसे तो आपके अपने और भी बहुत सारे projects होंगे, इस particular project में आपने क्या investment allocate की, आपके साथ और भी पार्टनर थे, आपकी टीम जो डेवलपर टीम है वो कैसे आपने एंगेज की, फॉर्म की, और कितना अरसा लगा इस पूरे डेवलपमेंट को आपने, और फिर रिसोर्स प्लानिंग जो प्रोडक्ट्स आपने ली होंगी मुख्तलिफ लोगों से, और जैसे आपने बताया कि आपकी अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताएं थोड़ा सा। हमने जब इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, थोड़ा आसान लग रहा था अपेरेंटली, क्योंकि आप जब नॉर्मली वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहे हो तो डिफरेंट तो आपको लगता है कि यार छत्ती चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब इसको स्टार्ट किया हमने और तो ये एक बहुत ह्यूज एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक वन पर्टिकुलर वेबसाइट एंड स्पेशली इफ इट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। कमिंग बैक टू दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है अभी भी कि फाइनेंशियली एक अच्छा आइडिया अगर आपके पास हो तो आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंसिस की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड बिहाइंड दिस कैरी बाजार एज वेल, कि थैंक गॉड दैट वी हैड अ ग्रेट टीम विद अस इन विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट साइड, विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड स्पेशली विद रिगार्ड टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, कि जब आप बैठे हुए हैं और आपको एक अच्छा आइडिया क्लिक कर दिया तो फिर उसके पीछे फाइनेंसिस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। कमिंग बैक टू द एक्चुअल फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस कैरी बाजार, आई थिंक एनीबडी कैन स्टार्ट अप दिस ई कॉमर्स वेबसाइट ranging between 150 to 200k। ठीक, और जो अपने रिसोर्स जो इसमें प्रोडक्ट्स जिनकी शो हो रही है वो आप, इज इट अ मल्टी वेंडर स्टोर और आप खुद इस लोगों से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो खुद आपके डेवलपर्स या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इसमें डालते हैं? नहीं, हमने कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट किया था कि हमने डिफरेंट वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए विद रिगार्ड टू डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड वी हैव साइंड अप एन MOU विद एवरी वन ऑफ देम, एंड उसमें ये कि हमने उनके प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद प्रमोट कर रहे हैं एंड जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वी इंश्योर कि वी गो एंड टेक अप दैट पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दोज वेंडर्स एंड देन वी शुड डिलीवर इट टू आवर कस्टमर्स। इसमें बिलाल ये दही कि आप क्वालिटी का कैसे इंश्योर करेंगे लोगों में, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी जो ऑनलाइन हैं और वो क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो ऑनलाइन जब लोगों को जब चीज़ रिसीव होती है तो वो उसमें वो एट्रीब्यूट्स की कमी होती है, साइजेस डिफरेंट आ जाते हैं, कलर्स डिफरेंट आ जाते हैं, या कहीं कहीं से तो फ्रॉडलेंट भी रिपोर्ट्स हैं कि कोई कहीं से पत्थर निकल आए, कहीं से ईंटें निकल आएँ, तो इस किस्म की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं,
तो इसको लोग अब लोग जिस तेजी से लोगों ने ई कॉमर्स को अपनाया था पिछले 2-3 साल से अब थोड़ा से फेड अप भी नज़र आ रहे हैं, और तो उस सिलसिले में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड शिपिंग को आप किस तरह मैनेज करेंगे? इसमें जो आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया था इसको तो हमने अपने कंपनी की SOP जब डिफाइन की थी तो उसमें वी वर वेरी क्लियर अबाउट 2-3 थिंग्स एंड वन ऑफ देम वाज क्वालिटी। हमने जितने वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट MOU साइन किए हैं उनके अंदर भी हमने इस चीज़ के ऊपर बड़ा इंफोसिस किया है कि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एट एनी कॉस्ट। बेशक बिजनेस ना हो, बेशक चीज़ें ना बिकें, बट जो बिकेंगी जो चलेंगी वो क्वालिटी आइटम्स ही होंगे, और अगर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हम आपके प्रोडक्ट्स को नहीं डिस्प्ले करेंगे अपनी साइट के ऊपर। एंड उसी चीज़ को हमने इंश्योर किया, और इसको इस एस्पेक्ट के थ्रू जो आप बता रहे हैं कि जो अभी करंट ट्रेंड के अंदर एक डिफरेंट फ्रॉडुलेंट चीज़ें चल रही हैं उसको हमने कैसे कंट्रोल किया कि हम लोगों ने एक अभी फिलहाल हम इसको कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर रन कर रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। तो जो भी पिंडी इस्लामाबाद में हमारे अपने राइडर्स हैं दे गो एंड डिलीवर द आइटम पर्टिकुलर टू द कस्टमर। उस केस के अंदर हमने एक परफॉर्मर डेवलप किया है एक फॉर्म का, वो चीज़ इंश्योर करती है कि जब किसी भी कस्टमर को आइटम डिलीवर होते हैं तो वो उसी वक्त ओपन करके उस परफॉर्मर के ऊपर साइन करके दे गिव इट बैक टू आर राइडर कि वी आइदर वी आर सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर आइटम यस और नो, एंड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ यू नो डिफरेंस बिटवीन द आइटम दैट दे ऑर्डर एंड दे एंड the item that they have received, then they return it back to the writer at the same time and giving it back the reason कि भाई किस वजह से हमें ये item जो है ये नहीं वो चीज़ नहीं है जो मैंने मांगी थी और ये performer के ऊपर remarks हैं जिसकी वजह से हम item वापस आपको return कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हमने already cover कर ली कि suppose अगर आप किसी भी e-commerce site पे run कर रहे हैं और अगर आपको item deliver होता है तो don't ask you at the same time कि अभी आप अभी feedback दें या अभी आप इसको deliver करने की option आपके पास है या नहीं। हमने ये ऑप्शन ऑलरेडी इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट करवाई है अपनी वेबसाइट में। अगर आपको आइटम नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो आपने ऑर्डर किया था तो आप उसको सेम टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्जेस। जो डिलीवरी चार्जेस बाकी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स आपसे ले रही हैं कि अगर आपको नहीं पसंद आया आप उसको वापस भेजते हैं किसी भी शिपिंग के थ्रू, तो आपको एटलीस्ट 300-400 मिनिमम आपको चार्जेस हिट हो जाते हैं जब आप उसको आइटम को रिटर्न कर रहे हैं। हम ये ऑफर दे रहे हैं आपको, हमने ये फीचर बेसिकली दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के थ्रू कि आप एट द सेम टाइम ऑफ डिलीवरी आप उस आइटम को रिटर्न कर सकते हैं अगर जो आपने ऑर्डर किया था वो चीज़ नहीं है उसके अंदर, बट यू हैव टू मेंशन दो स्पेसिफिक रीजंस कि भाई ये वो वजूहत है जिनकी वजह से हम आपको रिटर्न कर रहे हैं एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने इसमें एक यूनिक चीज़ रखी है कि उसी वक्त रिटर्न हो जाएगा या कस्टमर वही पैकेट उसी वक्त खोल के देख सकता है, अगर वो नहीं सेटिस्फाई तो वो वापस कर देगा। लेकिन ये डोंट यू थिंक कि ये इस वजह से है कि क्योंकि आपके अपने राइडर्स हैं, क्योंकि आपका आप जैसे आपने बताया कि आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बड़ा छोटा सा है इस्लामाबाद और पिंडी है, और अभी इस छोटे से आपके अपने राइडर्स हैं, आप अगर जब कल को इसको एक्सपेंड करेंगे और किसी दूसरी कोरियर कंपनीज के साथ कोई आप अपना MOU साइन करेंगे तो अमूमन जो कोरियर कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में वो कैश ऑन डिलीवरी में क्या वो भी इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे? दिस इज द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से हम लोग थोड़े डिले हो गए हैं अभी इसको ऑल ओवर पाकिस्तान लॉन्च तो हो चुकी है साइट, लेकिन ये कि हम अभी COT अकाउंट्स के ऊपर हमारी MOU साइन नहीं हुए अभी तक कोरियर कंपनीज पे, जिसमें जो पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन है वो यही है कि अगर आपका राइडर जाता है किसी भी सपोज करें कराची लाहौर मुल्तान एनी वे इन पाकिस्तान अगर हमारा कोई ऑर्डर आता है योर राइडर हैज़ टू वेट फॉर 5-7 मिनट्स एंड ही हैज़ टू इंश्योर कि वो जो परफॉर्मा हम साथ दे रहे हैं वो साइंड कॉपी वो वापस लेकर आएगा अपने साथ, जिस चीज़ की ऊपर अभी तक मतलब कुछ हमारे COD अकाउंट्स के ऊपर हमारी एग्रीमेंट हो गए हैं और कुछ इंशाल्लाह विद इन अ मंथ टाइम हो जाएंगे देन वी विल लॉन्च इट टू द एंटायर पाकिस्तान। अब अभी क्योंकि हमने रिसेंटली इसको रमज़ान में लॉन्च किया है मतलब इतना को टाइम ही नहीं हुआ, इट्स हार्डली 1.5 मंथ दैट हैज बीन पास्ड आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ दिस वेबसाइट, तो होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम इसको ऑल ओवर पाकिस्तान लॉन्च करेंगे और हम इसी फीचर को इनकॉर्पोरेट करेंगे विद द COD अकाउंट्स कि अगर आपको कोई इशू होते हैं तो आप उसी वक्त राइटर को विद इन 5-7 मिनट्स ऑफ द डिलीवरी आप उस परफॉर्मा को फिल करें आइदर इट्स सेटिस्फैक्ट्री इफ नॉट सेटिस्फैक्ट्री देन यू कैन रिटर्न इट गिविंग मेंशनिंग द स्पेसिफिक रीजंस फॉर द रिटर्न ऑफ द आइटम्स और सेम COD अकाउंट्स। और जो रिटर्न के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी वो फिलहाल कंपनी ही पे करेगी, बट
I would like to explicit this point over here that return should have some specific reasons. Like, आपको पता है हमारे being a Pakistani nature मतलब it should not be कि जी मैंने मुझे पसंद नहीं आया पसंद ना आने के तो फिर काफी वजूहत हो सकती हैं like जो चीज आप order कर रहे हैं उसकी details वहाँ website पे already mentioned है specification description everything वो चीजें अगर पूरी हो रही हैं this means कि आपका item as per your requirement है मतलब you cannot say कि जी ये मैंने तस्वीर देखी थी और अब ये मैंने physically देखा है तो मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा अगर उसके features जो उसमें लिखे हुए थे वो और उसकी description जो लिखी है that all matches together then this means this item is as per your requirement अच्छा ये ऐसा ही हो अल्लाह करे और आप वो करें लेकिन इसमें एक और चीज जिस तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन कस्टमर केयर होती है लाइक वो किसी भी तरीके से आ सकती है टेलीफोन से आ सकती है कॉल आ सकती है तो आपने कोई कॉल सेंटर भी इसके लिए वो किया है या अगर कोई जो जैसे आजकल ट्रेंड है कि कोई लाइव असिस्टेंट वेबसाइट पे बैठे होते हैं वो कोई फीचर आप इसमें लेकर आए बिल्कुल ये दोनों फीचर्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू माय डेवलपमेंट टीम अगर आप वेबसाइट को विजिट करें तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे इवन ऑन योर सेलफोन और ऑन लैपटॉप कंप्यूटर व्हाटएवर इट इज जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे सामने एक पॉपअप इनिशिएट होता है लाइव चैट का उसमें अगर आपको किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करना है या कोई भी चीज़ पूछनी है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ पे उसको मैसेज को लिखें एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई इंशाल्लाह रिसीव होगा अगर लेट आवर्स हो जाते हैं अगर कभी हमारा कॉल सेंटर अभी एक्टिव नहीं है तो देन यू कैन ऑल्सो सेंड अप योर मैसेजेस और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इज टू रिप्लाई टू दोज पर्टिकुलर मैसेजेस जिन लोगों ने अगर लेट आप उसको विजिट किया सेकेंडली फोन लाइन इज लाइक I cannot say 24 hours, but yes, it is like we are giving maximum time. The बहुत late hours में अगर आप कर रहे हैं तो बस वो phone line active नहीं होगी. Otherwise, like it's active from morning 7 to like in 11, 12 in the afternoon. But phone line active है इसके ऊपर. अच्छा बिलाल अभी तक आपने जैसे रमजान में इसको लॉन्च किया है तो कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है क्या रेवेन्यू अभी तक आ चुका है और किस तरह वो प्रोग्रेस कर रहे हैं आपका आई एल बी वेरी हैप्पी टू यू नो आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई एल बी वेरी ग्लैड टू से कि हमने इसको तकरीबन थर्ड रमज़ान लॉन्च किया था अपनी वेबसाइट को और जस्ट विद इन रमज़ान वी स्टार्टेड अप विद डिफरेंट पैकेजेस विद डिफरेंट रमज़ान पैकेज एंड डिस्काउंट ऑफर्स हमने रमज़ान से लेकर अब तक तकरीबन 300K की फिगर क्रॉस की है ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलिंग की पर्टिकुलर टू ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ and which is a very great number in my opinion and but time hi abhi itna zyada nahi pass on hua it's like 1.5 months that has been just passed after launching this website so which is a good number and now we are giving very different initially it was Amazon offer and now we are giving up different discount offer different sort of packages for on different items so hopefully and inshallah ke aage ye response aur zyada acche rahe aur ye figures aur different level pe cross kare इसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी है ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह या कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्लान्स क्या हैं आपके इसके लिए जो डेवलपमेंट टीम है वो काम करती रहती है इसके ऊपर पूरी मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर दे आर मेकिंग डिफरेंट एड्स दे आर मेकिंग इट प्रमोशनल ऑन वेबसाइट पेज ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक ये फेसबुक है उसके अलावा ट्विटर है एंड डिफरेंट अकाउंट्स जो कैरी बाजार के चल रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट प्रमोशनल एड्स हैं डिफरेंट प्रमोशन होती रहती हैं प्लस ये कि यूट्यूब एड है उसके ऊपर वो लोग प्रमोशंस कर रहे हैं इस साइट की ऑलरेडी डिफरेंट लेवल ऑफ ई कॉमर्स प्रमोशन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी वो लोग जो डेवलपमेंट टीम है उसके ऊपर काम कर रही है एंड दे हैव अचीव्ड अ गुड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द ऑडियंस ऑन दिस पर्टिकुलर साइट विद अ वेरी फ्यू स्पैन ऑफ टाइम अच्छा बिलाल ये बताइए कि हम एक अपनी इन वेबसाइट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट्स बोलते हैं बार बार बोलते हैं लेकिन हम एक बहुत ही बेसिक प्रोसीजर को अपनाए हुए हैं दैट इज़ COD सिस्टम जो कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम ही रह गया तो आपसे मैं राय इस चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक कोई प्रॉपर ऑनलाइन पेमेंट का मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका तो ये एक मेजर ऑब्स्टिकल है इस वक्त जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं इस किस्म के बिजनेसेस में और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये एक बेसिक ऑब्स्टिकल है इस वक्त जो नए लोग इसमें कंपनियां खोलना चाह रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस में आना चाह रहे हैं
इसमें देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैंक्स को किसी तरह सपोर्ट करना चाहिए दिस ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमने जब बैंक्स को ऑलरेडी अप्रोच किया है कि भाई हम लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स रन कर रहे हैं, वी आर गोइंग विद आवर कैश ऑन डिलीवरी, अगर मैं ऑनलाइन आपको ऑफर देता हूँ कि अगर आप मुझे ऑनलाइन पे करें डायरेक्ट इन टू माई अकाउंट विच इज़ डायरेक्ट इन टू कैरी विद आवर अकाउंट और सी ओ डी के थ्रू आपको सिर्फ डिलीवरी कर रहे हूँ, उस केस के अंदर बैंक चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि जो न्यू अपकमर्स हैं दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड दोज चार्जेस। मैं एक रफ एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर सपोज करें आपकी मंथली फीस ही 50,000 के करीब हो उस टाइम पे बैंक की, तो आपकी सेल अगर सपोज करें आपने 200K भी क्रॉस कर ली सेल्स पर मंथ विच इज़ अ ह्यूज नंबर इन माई ओपिनियन, तो आपने 50% और तकरीबन रफ मोर देन 50% तो आपने अपने एक्सपेंसिस में ही उसको पे कर देंगे जो बैंक को देने आपने डिफरेंट सी ओ डी अकाउंट्स के साथ आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो इन माई ओपिनियन इस चीज़ को पाकिस्तान में बैंक शुड रिव्यू एंड दे शुड गिव सम लुक्रेटिव ऑफर्स टू द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स कि अगर आप ई कॉमर्स साइट लॉन्च कर रहे हैं वी कैन ऑफर यू दीज स्पेशल पैकेजेस और इनके थ्रू हम आपके अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो आप ऑलरेडी सारी पूरी कर रहे होते हो इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क जितनी भी हैं, लेकिन जो सी ओ डी अकाउंट बैंक का जो जिसे मर्चेंट अकाउंट वो लोग बोलते हैं उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जब बाहर देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट को तो वहाँ पे तो ये जो मर्चेंट्स हैं ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपको एकदम तकरीबन एक घंटे का या आधे घंटे का प्रोसीजर है आप अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन मर्चेंट सिस्टम पेमेंट सिस्टम लगा सकते हैं, तो वहाँ पे तो घर बैठे लोग इसीलिए बहुत जल्दी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा, अगर आप अभी आप गए होंगे काफ़ी, हम यहाँ बैंक्स के नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन आप काफ़ी बैंक्स में गए होंगे, क्या वो मेंटली प्रिपेयर थे इस किस्म की क्यूरी को और हैंडल करने के बारे में, आपका क्या ख्याल है? पहली जो चीज़ आपने बात की इंटरनेशनल मार्केट में, आई थिंक वहाँ पे ई कॉमर्स और डिफरेंट ऑनलाइन सिस्टम्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं आपस में कि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और आपका कहीं पे ऑलरेडी बिजनेस है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली इंटरलिंक्ड, तो इतनी ज़्यादा वेरीफिकेशन और उन चीज़ों का मसला नहीं होता आई एम श्योर। वहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ें चल रही हैं और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड हो जाएगा आई एम श्योर, ये RFIDs के थ्रू जो आपके नादरा कार्ड में भी आ गया है और हर जगह आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कमिंग बैक टू दिस बैंक क्वेश्चन, मैं जितने बैंकों में गया हूँ पाकिस्तान में दे वर वेरी रिलक्टेंट टू ओपन माई मर्चेंट अकाउंट ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशन, एंड माई टर्म्स एंड कंडीशन वॉज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज वेरी कॉम वेरी नॉमिनल एंड वेरी बेसिक थिंग्स, बट उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं विद रिगार्ड टू फीस, मंथली फीस जो है जो सी ओ डी अकाउंट्स या मर्चेंट अकाउंट्स के लिए वो लेते हैं दे आर ह्यूज, मतलब एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर उसको अगर स्टार्टअप के अंदर देखें तो वो मेरा निकाल के उसको अफोर्ड कर सकते हैं उसकी फीस को। आई थिंक बैंक शुड रिव्यू दीज थिंग्स एंड दे शुड गिव सम लुक्रेटिव ऑफर, जिस तरह उन्होंने कार फाइनेंसिंग में एंड डिफरेंट क्रेडिट कार्ड फाइनेंसिंग में इतनी ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स हैं कि मतलब एवरी डिफरेंट क्लास ऑफ अ पर्सन कैन अफोर्ड इट ऑन यू नो ईजी इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर उस तरह की कोई ऑफर इसके अंदर वो करें तो आई एम श्योर ये चीज़ ज़्यादा जल्दी कवर हो सकती है। प्लस इसमें डिफरेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स थे जो बैंक की तरफ से यू नो क्वेश्चन थे विच मतलब मुझे जो वो चीज़ शायद इतनी ज़्यादा ना समझ में, मेरी जो IT की टीम है वो उसको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पेमेंट्स के अंदर जो ट्रांसफ़र होती हैं उस सिलसिले के अंदर, तो जो भी व्हाट यू कॉल इट लाइक साइबर क्राइम्स हैं और जो जिस तरह की चीज़ें हैं, तो माय क्वेश्चन टू बैंक एट दैट टाइम वाज कि भी दिस इज नॉट माय कंसर्न कि आपका पैसा सिक्योरली आ रहा है नहीं आ रहा, माय कंसर्न इज कि यू शुड ओपन माय मर्चेंट अकाउंट, पीपल शुड ट्रांसफर द मनी स्ट्रेट अवे टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट, मुझे उसकी इंटीमेशन आ जाए एंड आई कैन गिव यू द नॉमिनल चार्जेस और द बेसिक चार्जेस ऑफ होल्डिंग दैट पर्टिकुलर मर्चेंट अकाउंट एंड बोथ ऑफ अस कैन बी इन अ विन-विन सिचुएशन एंड वी कैन डू अवर बिजनेस, बट चार्जेस उनकी तरफ से मुझे कोर्ट हुए थे दैट वाज अ बिग नंबर सो व्हिच आई कैन नॉट अफोर्ड इन दैट टाइम। अच्छा, बस आखिर में हम वाइंड अप करते हैं प्रोडक्ट, ये आप जी ये बताएं कि कोई कौन से ऐसे मेन फीचर्स हैं जो डू यू थिंक कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट से अलग दे रहे हैं और एक यूनिक दे रहे हैं इस अपने इस ऑनलाइन बाजार में? इसमें दो तीन चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। पहली चीज़ ये कि हमारे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आप कह रहे हैं 50% से ऊपर दे आर, हमने अपने वेयर हाउस में खुद वो आइटम्स, कुछ हमारे अपने हैं कुछ हमने ऑलरेडी यू नो परचेज करके अपने वेयर हाउस में रखे हुए हैं,
So the uski wajah yehi hai ki if any of my customer is ordering any particular item, I should not be in a state of a delay to deliver those items, which is something really unique at the moment. And because मैंने खुद कुछ e-commerce site से काफी दफा चीजें order की हैं, लेकिन ये है कि वो कई दफा response आता है कि आपको 2-3 days में deliver होगा. It actually delivered in like a 1 week time. So this creates a very negative impression at time of, you know, once you receiving an item. कभी मैंने तो 2 दिन पहले order receive करा था, आप मुझे एक हफ्ते बाद दे रहे हैं. Because वो item आपके पास actually नहीं होता, आप कहीं से source करके उसको दे रहे होते हो. तो हमारे पहला यूनिक फीचर ये है कि 50% प्लस इन्वेंट्री इज विद अस. सो लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वंस एवर वी आर रिसीविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, सो वी इंश्योर टू डिलीवर इट बिफोर द मेंशन डिलीवरी डेट, यू नो, एंड द डिलीवरी टाइम. दैट इज द फर्स्ट यूनिक फीचर. द सेकेंड यूनिक फीचर आई हैव ऑलरेडी मेंशन, लाइक हमारा जब टाइम ऑफ डिलीवरी है, सो वी हैव अ परफॉर्मा ऑफ गेटिंग इट साइन फ्रॉम द कस्टमर एट द सेम टाइम. Whether they like a product, yes or no, any sort of feedback, any sort of a confusion or any sort of a, you know, damages, debris, anything that they feel in the product, they can return it at the same time without any cost. So I'm sure jo log bhi e-commerce sites run kar rahe hain, they would be very much in a figure to know if this is a huge expense which my company is, you know, offering at their own pocket. In case अगर कोई चीज़ रिटर्न होती है, उसकी जो रिटर्निंग चार्जेस हैं, we are not charging anything to the customer at the moment. That is the second best feature with regards to carry bazaar. Third is like, as per its name, carry bazaar, you know, we are carrying a complete bazaar at one particular forum. So we ensure to offer complete quality products with regard to any category that they order from carry bazaar. ठीक है बिलाल, थैंक यू वेरी मच. और आखिर में बस मुझे ये बताइए, जो नए लोग इस किस्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको कोई एक छोटा सा मैसेज या कोई एक इंफॉर्मेशन जो ज़रूर पता होनी चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिफोर एंटरिंग इनटू दिस काइंड ऑफ बिजनेस. माय मैसेज टू ऑल दोस न्यूकमर वुड बी, डोंट एंटर इन एनी सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस विदाउट योर कंप्लीट होमवर्क, एंड डोंट थिंक दैट दिस ई-कॉमर्स इज जस्ट लॉन्चिंग वन वेबसाइट. इट इज लाइक रनिंग अ कंप्लीट मार्ट अंडर द वन पेज. बिकॉज जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, उस वक्त मेरी अपनी परसेप्शन बिफोर गेटिंग इन टू दिस थिंग, वी जो हमारे इनिशियल ब्रेन स्टॉर्मिंग के डेज थे, तो हम फिर डिसाइड किया कि हम इसको एक महीने के बाद लॉन्च कर लेंगे. But we were able to launch it from the decided date after like 2-3 months. So it was a huge task that that anybody will be going through once they are launching a complete, you know, e-commerce site. And no business is as much as expensive as a big idea is, you know. My concern to all, or my suggestion to all those newcomers would be, come up with a great idea so you won't be able to, you know, आपके एक्सपेंसिस इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो आइडिया आपका ज़्यादा जल्दी सेल आउट होगा. सो इट्स अ ग्रेट बिजनेस, इट्स अ ग्रेट ट्रेंड वेयर द कंप्लीट इंटरनेशनल मार्केट प्लस द पाकिस्तानी मार्केट, यू नो, एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स द ई कॉमर्स ट्रेंड, एंड एवरीबडी शुड पीपल शुड कम, पीपल शुड, यू नो, ब्रिंग सम न्यू गुड आइडियाज, एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू एक्सप्लोर एंड गिव सम मोर यूनिक फीचर्स विद रिगार्ड टू दिस ई कॉमर्स साइट्स. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली, और आपका ये लग करे कि ये प्रोडक्ट और कामयाब हो, और इसमें मज़ीद जो आने वाले वर्क के चैलेंजेस हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकें. तो गुड लक, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम. सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर बीइंग विद यू. And hopefully once we are able to meet next time, I'll be able to give you some more details with regard to e-commerce. Sure. And thank you so much. तो ये थे बिलाल हनीफ, ऑनर कैरी बाजार डॉट कॉम, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई ई कॉमर्स के अलावा. लग रहे कि इनकी ये जो बिज़नेस है ये कामयाब हो, और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मिली. ज़रूर इस वेबसाइट को चेक कीजिए जाके, और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें. बहुत वैरायटी हैं, तकरीबन 7-8 हज़ार
پروڈکٹس اس وقت اس ویب سائٹ میں موجود ہیں، اور جو بھی ایک دفعہ ضرور اس کو آپ ٹرائی کریں، دیکھیں کہ کیسا ایکسپیرئنس ہوتا ہے آپ کا، اور وہ ایکسپیرئنس ضرور پھر ہم سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اسٹے ٹیونڈ.